टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 58 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक आखिरी जंग जहां पर उनको अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो इस मुकाबले को जीतना बहुत अहम। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों फर्स्ट इनिंग के दौरान 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। 160 का बड़ा टारगेट सामने रखा। हमने पिछले मुकाबले में देखा था गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जब खेला गया तो 144 रन डिफेंड किया गया था और 82 रन पर दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को ऑल आउट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो सब यादें होंगी किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स टीम इस मुकाबले को चेस करती है। और सबसे बड़ी बात आज के मुकाबले की ये रही कि एक ऐसे मतलब खिलाड़ी की बात करें, बल्लेबाज गेंदबाज क्या बोले, कुछ समझ से परे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने आज अर्धशतकीय पारी खेली। ये सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा पूरे मैच के दौरान। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी सभी का दिल जीत लिया। तो बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट इनिंग के हाईलाइट के बारे में, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करते हुए 160 रन का लक्ष्य रखा और यहां विकेट भी चटकी, लेकिन फिर भी दोस्तों कैसे राजस्थान की टीम ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बताया दोस्तों राजस्थान रॉयल्स वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये महामुकाबला खेला गया डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई के मैदान पर, जहां राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करें आज के महामुकाबले में तो बदलाव तो जरूरी यहां पर कह सकते हैं क्योंकि प्लेऑफ की रेस नजदीक आ रही है। तो बड़े से बड़े प्लेयर जो बेंच पर बैठे हैं उनको जरूर आजमाना चाहेंगे कप्तान, तो वही कुछ देखने को मिला। राजस्थान की टीम की बात करें तो राजस्थान की टीम में दोस्तों हमने देखा किस तरीके से आज के महामुकाबले में, जब पिछले मुकाबले में वैसे बदलाव कर दिया था, यशस्वी जायसवाल की एंट्री करा दी थी और जायसवाल ने बहुत बेहतरीन अर्धशतक लगाया था और जॉस बटलर तो अच्छी फॉर्म में है ही, लेकिन आज हुआ कुछ यूं कि इनकी प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिगल, राशी वंदर, दुसेन देखने को मिले, तो रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल और कुलदीप सेन हमें नजर आए राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में। तो वही बात करें दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में हमें एक खास बात ये देखने को मिली किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम बीच में मुकाबले जीती फिर हारी, लगातार यहां बदलाव करती नजर आ रही है टीम। रीपल पटेल, खलील अहमद के साथ कभी उतर रही, कभी मुस्तफिजुर रहमान को आजमाया गया आधे सीजन, तो ये चलता रहा इनके पूरे मुकाबले के दौरान बदलाव। लेकिन एक दो खिलाड़ी है जिसमें इन्होंने इनका अभी तक यहाँ पर आजमाया नहीं, जैसे यश धूल की बात करें, विक्की ओस्तवाल की बात करें, ये खिलाड़ी अभी बेंच पर बैठे नजर आए हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की जानकारी दें आज के मुकाबले में, तो डेविड वॉर्नर, श्रीकर भरत, यहाँ पृथ्वी की शो की यहाँ पर जगह नहीं बनी दोस्तों, तो मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पोल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, चेतन साकरिया, ओमनिक नौरकिया हमें देखने को मिले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में। सबसे खास बात यह रही दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत का इस सीजन पूरी तरीके से बल्ला शांत रहा है, एक भी अर्धशतक उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन राजस्थान की यहाँ बात करें तो राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी क्योंकि टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का नहीं गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया था। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम दोस्तों, आपको बताएं किस तरीके से शुरुआत कुछ यूं रही, जहां पर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पहले बल्ला था मैदान पर नजर आए, लेकिन आज सबसे बड़ा झटका तो जॉस बटलर के रूप में लगा। जी हां दोस्तों, इस सीजन के ऑरेंज कैप होल्डर जिनके दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, केएल राहुल काफ़ी नज़दीक नहीं कहेंगे लेकिन हाँ नज़दीक आ चुके हैं जॉस बटलर के। लेकिन अभी बात करें किस तरीके से जॉस बटलर इस सीज़न अच्छी बल्लेबाजी करें, लेकिन अब जब प्लेऑफ की रेस नज़दीक आ रही है तो इनका बल्ला भी शांत होता नजर आ रहा है। ये बाकी टीमों के लिए खुशी की बात होगी लेकिन राजस्थान के लिए काफ़ी बुरी बात है क्योंकि आज के मुकाबले में तीसरे ओवर में इनका विकेट गिर गया, जहां तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर जॉस बटलर आउट हुए। 11 रन पर दोस्तों पहला विकेट गिरा जॉस बटलर के रूप में, 11 गेंदों में 7 रन एक चौके की मदद से मारे जॉस बटलर ने। चेतन साकरिया ने विकेट लिया तो कैच पकड़ी शार्दुल ठाकुर ने। अब यह बात करें किस तरीके से जॉस बटलर का पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद यहां पर टीम ने एक बड़ा दाव खेला अश्विन के रूप में, मतलब पूरा उथल पुथल कर दिया और अश्विन को इन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। वो मुकाबला तो आपको याद ही होगा जब ये अपने आप को खुद ही को आउट घोषित करके पवेलियन वापस चले गए थे, वो काफ़ी अलग नज़ारा था दोस्तों, मतलब रेटेड हर्ड वाट वाला एक नज़ारा होता है, लेकिन खुद ही अपने आप प्लेयर पारी को डिक्लेयर कर देना वो भी T20 में ही अलग बात थी। तो रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल के बीच पार्टनरशिप हुई, अच्छी खासी पार्टनरशिप थी, 9वें ओवर की पहली गेंद तक गई जहां 54 रन बने राजस्थान रॉयल्स के। यशस्वी जायसवाल जो धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट खोया राजस्थान की टीम ने, 19 गेंदों पर 19 रन
बैट्समैन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक चौके एक छक्के की मदद से मारा। उसके बाद विकेट दोस्तों जो था जॉस बटलर का चेतन साकरिया ने लिया था, कैच पकड़ी थी शार्दुल ठाकुर ने, तो यशस्वी जायसवाल का विकेट दोस्तों मिचेल मार्श ने लिया और कैच पकड़ी थी ललित यादव ने। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें किस तरीके से अश्विन और देवदत्त पडिकल ने शुरुआत करी, किस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश करी किस तरीके से आगे मुकाबले को लेके जाएं। 54 रन पर जहाँ पर दूसरा विकेट गिरा था, 107 रन पर आया तीसरा विकेट, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड हुई करीब 53 रनों की। जी हाँ दोस्तों, 15वें ओवर की पहली गेंद तक अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। 107 रन पर आता है टीम का तीसरा विकेट और वो आता है रविचंद्रन अश्विन के रूप में। देवदत्त पडिकल एक छोर पर खड़े थे लेकिन रविचंद्रन अपनी अश्विन ने इस पारी में 38 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। रोहित शर्मा नहीं बना पाए सीजन 50, ऋषभ पंत भी 50 नहीं बना पाए, अश्विन ने बना दिया 50। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, 38 गेंदों में 50 यानी 38 बॉल 50 रन, 4 चौके 2 छक्के की मदद से टीम के 107 रन पर इनका तीसरा विकेट गिरा। मिचेल मार्श ने यहां पर उनका विकेट लिया था और कैच पकड़ी थी डेविड वॉर्नर ने। इसके बाद देवदत्त पडिकल और संजू सैमसन ने पूरी कोशिश करी मुकाबले को आगे ले जाने की, लेकिन संजू सैमसन 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। 17वें ओवर की पहली गेंद 125 रन पर दोस्तों चौथा विकेट गिरा था कप्तान संजू सैमसन के रूप में राजस्थान रॉयल्स का। इसके बाद रियान पराग आए, उन्होंने 5 गेंदों पर 9 रन मारा, एक छक्का मारा था, बड़ा ही खूबसूरत विकेट गिर गया। अब यहाँ पर बात करें किस तरीके से रियान पराग ने जो मारा था छक्का, उसके बाद चेतन साकरिया ने विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी रोमन पोल ने। संजू सैमसन की विकेट ऑनदिक नौरखिया ने ली थी। यहाँ पर देवदत्त पडिकल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, राशिवंदर दुसैन उनका साथ देने के लिए आए थे। राशिवंदर दुसैन खड़े थे काफ़ी देर तक, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए मैदान पर, लेकिन देवदत्त पडिकल ने अपनी पारी दिखाई और 19वें ओवर की पहली गेंद 146 रन पर दोस्तों छठा विकेट गिरता है यहाँ पर टीम राजस्थान रॉयल्स का, वो भी देवदत्त पडिकल के रूप में। देवदत्त पडिकल दोस्तों यहाँ पर आउट होते हैं 30 गेंदों में 48 रन बनाकर, 30 बॉल में 48 रन बनाकर, 6 चौके 2 छक्के की मदद से। लास्ट में राशिवंदर दुसैन 10 गेंदों पर 12 रन बनाते हैं तो 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट नाबाद रहते हैं। शिमरन हेटमायर यहाँ पर गैर मौजूद रहे इस मुकाबले में, काफ़ी भारी पड़ा टीम को। राशिवंदर दुसैन खेले तो मतलब शिमरन हेटमायर दोस्तों प्लेऑफ से पहले टीम से बाहर बैठे नजर आए, ये बहुत बुरी नज़र यहाँ पर कह सकते हैं एक बात है टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि इस सीजन काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी इन्होंने करी है। गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट चेतन साकरिया ने, ओमदिक नौरखिया ने 2 विकेट चटकाई, तो वहीं मिचेल मार्श ने 2 विकेट चटकाई और 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बनाया। दिल्ली कैपिटल्स को अगर प्लेऑफ की जंग जारी रखनी है तो फर्स्ट इनिंग के इस मुकाबले को चेस करना होगा और बनाना होगा 161, वो भी सिर्फ 120 गेंदों में। दिल्ली कैपिटल्स के पास एक आखिरी जंग, एक आखिरी मौका अगर वो प्लेऑफ में पहुंचना चाहते हैं। अगर हारे तो यहाँ से इनके पास नामुमकिन चांस होगा जो ये पहुँच सकें। बाकी राजस्थान की टीम जीतती है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि राजस्थान की टीम क्वालिफाई कर लेगी आसानी से, क्योंकि इनका नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है, ये एक बात खास है इनकी टीम की। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से डीवाई पाटिल स्टेडियम पर आता है यहाँ पर रनों का तूफान, क्या ऋषभ पंत या रोमन पोल या डेविड वॉर्नर, कौन बनेगा इस तूफानी पारी का हीरो, कौन बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। देखते हैं दोस्तों चेज में दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या कुछ खास करती है, सामने ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी हैं, कैसे उनका सामना करते हैं दोस्तों यहां पर ये खिलाड़ी। बने रहे चैनल के साथ फुल हाईलाइट के लिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।